Hello children, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss exercise 3.1 solution. What we have discussed you can check by just clicking the I button. Now let's see. Our first question is using prime factorization, state which of the following are perfect squares. आपको बताना है कि prime factorization वो आप use करेंगे कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करिए आप इनके 2061. प्राइम फैक्टर जब आप इसके करेंगे तो पहले देखिए किससे जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं. डिविजिबिलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके लिए. डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, जिसके यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8 एंड 0 हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है. उसके बाद 3 सम ऑफ डिजिट देखिए इसमें 2 + 0 + 6 + 1. अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है सम तो 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर. 3 + 2 = 8 + 1 = 9 आ गया जो 3 से डिवाइड होगा. ये 3, 3 6 = 18, 3 8 = 24, 3 7 = 21. अब फिर से चेक करिए इसको, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 9 = अब देखिए 13, 9 + 2 = 11, 12 = 13. अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये आपके पास प्राइम नंबर आ गया, ये नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा. तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर इस टाइप से आपके पास आते हैं, मींस अगर पेयर्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वो आप अपने आप नोट कर लेना, यहाँ पे नो आएगा. अब ये वाला देखिए 7 9 2 8 7 9 2 8. अब आप इसको करेंगे, सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 3 = 6, फिर 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 4 = अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 = 2 9 = 2 8 = 2 2 = फिर से 2 से, 2 9 = 18, 2 9 = 18, 2 1 =. अब ये बताइए ये किससे जाएगा, क्या ये डिवाइड हो पाएगा आगे? अभी आपके पास प्राइम नंबर आ गया, ये भी नहीं होगा. अब देखते हैं सी पार्ट. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आगे हो रहा है या नहीं हो रहा है डिवाइड? तो इसके लिए आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे नंबर को. जो ये नंबर आया इसको प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते जाओ और चेक करिए कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब देखिए आपको मैंने पहचान भी बताई थी, वहां से भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 8 है और जिस नंबर का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. लेकिन इसमें आपको किससे बताना था, प्राइम फैक्टराइजेशन से बताना था. उसके बाद सी पार्ट देखिए, यहां से भी आपको पता चल रहा है कि इसका एक का पेयर बन रहा है, ये इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, मीन्स ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब देखिए सी पार्ट देखिए नेक्स्ट 2 4 0 1. आप इसको चेक करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए 4 + 2 = 6 + 1 = 7, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, जो 2 से नहीं और 3 से नहीं जा रहा वो 6 से भी नहीं जाएगा. उसके बाद 7 से देखिए, 7 3 = 21, 3 0 7 4 = 28, 7 3 = 21. तो ये 7 से जाएगा, 3 4 3. अब ये फिर से देखिए 7 से चेक करिए, जब एक बार 7 से गए तो दोबारा 7 से देखेंगे इसको, 7 4 = 7 9 = फिर से 7 से जा रहा है ये 49, फिर ये 49 तो 7 से जाता ही है. तो ये आपके पास 2 4 0 1, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 × 7 × 7 × 7, ये आपके पास क्या आ गया, इसकी आपने पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद ये आपके पास क्या आया, 7 × 7 = 49. अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में करेंगे आप 4 4 5. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के
बाद क्या आएगा आपके पास, टू से जाएगा नहीं ये, थ्री से भी नहीं जाएगा, फोर से भी नहीं, फाइव से देखिए, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा। अब ये बताइए, ये आपके पास प्राइम नंबर आ गया, तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है नंबर का, तो टू पार्ट्स मैं कराऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे, सेम है सारे, इजी भी है। स्क्वायर मींस आप नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 256। अब बी पार्ट देखिए, माइनस 32 स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास आएगा माइनस 32 इंटू माइनस 32। आप इसको ऐसे नोट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1024। रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 539 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें देखिए, जो 539 है, आपको बताना है आप उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, 539। तो इसके लिए देखिए, जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बोला जाएगा तो उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखिए, टू से नहीं होगा, थ्री से चेक करेंगे, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस सेवन सेवनटीन, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से भी नहीं, फाइव से भी नहीं और सिक्स से भी नहीं। अब देखते हैं हम डायरेक्ट सेवन से, जब आप इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, सेवन सेवन जा 49, सेवन सेवन जा 49। फिर से आप सेवन से करोगे, इलेवन, इलेवन वन जा 11। अब ये आपके पास आया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाहोगे तो आप इसे, आपके पास ये पेयर बनने चाहिए, पेयर बनाने के लिए ये 11, ये सिंगल नंबर है, पेयर के लिए आपको क्या चाहिए, 11। तो यहां आप क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 539 शुड बी मल्टीप्लाइड इज 11। यहां पे आप इसको करके देख लेना, 7 into 7 into 11, सो ये आपके पास पेयरिंग हो गई है, किस नंबर की है ये, 539 की। तो आपके पास इस नंबर की पेयरिंग करने के लिए आपको 11 और चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13068 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए, जब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आ रहा है आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब भी आप इसको एग्जाम में करेंगे उस टाइम पे आप ये भूल जाएंगे कि ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे या लॉन्ग डिवीजन से करोगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन अभी आपने किया नहीं है। सो, जब भी आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई बोला जाएगा तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए, 13068 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप इसका, ये टू से जाएगा सबसे पहले, 26 जा 12, 25 जा 10, 23 जा 2, 4 जा, फिर से 2 से जाएगा ये, 23 जा 2, 2 जा 2, 6 जा 2, 7 जा। अब देखिए, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से चेक करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, प्लस 7 18, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा। अब ये देखो, जा नहीं रहे तो यहां पे 0 लगाओगे, फिर 2 डिजिट लेनी है आपको, 3 8 जा 24, 3 9 जा, फिर से देखिए, 8 प्लस 1 9, 9 18, 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा, फिर से 3 से जाएगा ये, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब ये किससे जाएगा, 11 से, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 1 जा। अब इसकी आप पेयरिंग करिए,
068 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11 × 11। अब इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये देखिए पेयर आपके पास ये आए। अब जो अनपेयर्ड नंबर है उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसमें भी आपने ऐसे किया था थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ में भी ऐसे करेंगे। यहां पे आप नोट कर देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13068 शुड बी डिवाइडेड इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 1 एट इट्स यूनिट्स प्लेस व्हाइल स्क्वायरिंग द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बताना है कि जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन से नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो देखिए ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि कैसे हम ये चेक करते हैं 1 और 9 का। अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास यूनिट प्लेस 1 आता है, 1² = 1 एंड 9² = 81। तो ये यूनिट प्लेस दोनों का क्या है, सेम है 1। तो इसमें जो भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है उसका स्क्वायर भी 1 होगा, 1 और 9 है सॉरी। तो इन नंबर्स में जो भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 और 9 है उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 आएगी। तो इसको आप कैसे करेंगे, ए पार्ट है उसके बाद सी पार्ट, जी, एफ, ये वाले पार्ट है आपके पास जिनका जब आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस 1 आएगी। इजी था। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। आपको एन ओड नंबर्स की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 36 है, जैसे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ये। तो फर्स्ट 6 ओड नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 6 ओड नंबर, जितने ये 6 नंबर है ना, ये 6 आया है तो 6 नंबर को करोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 हो गए आपके पास ये 6 नंबर्स, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे 64 को आप 8 स्क्वायर करोगे, 81 है, 81 आप 9 का स्क्वायर करोगे, ये 9 ओड नंबर लिखोगे, और 144 12 का स्क्वायर है तो 12 ओड नंबर लिखोगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 8 में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब ये 9 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अब 12 है ये, 12 के लिए देखिए 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ये आपके पास कितने नंबर हो गए, 9, 10, 11, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास इस फॉर्म का होता है 2n देन n² + 1 एंड n² - 1, ये इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट आपको इस फॉर्म के मिलेंगे हमेशा। जो आपके पास फर्स्ट नंबर गिवन होगा वो 2n फॉर्म का होगा, ठीक है। 14 है, 14 को आप इक्वल टू 2n पुट करेंगे तो 2n = 14। यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 14/2 = 7। ये आपके पास एक मेंबर हो गया था, पहले ही दिया था, और ये देखिए n² + 1 और दूसरा आप n² - 1। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 7, 7² + 1 दैट इज 50। ये आपके पास क्या आएगा, 49+1। इसको करेंगे तो ये 49 - 1 आ जाएगा, दैट इज 48।
तो अदर मेंबर्स क्या आ गए आपके पास, रिमेनिंग पार्ट भी आप इसके अपने आप कर सकते हो ऐसे, अदर मेंबर्स 50 and 48, रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप करेंगे, सेम ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। तो देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तब आप क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करिए, 15 into 15 दैट इज 225। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मेंबर, इसको आप साइड में करके देखेंगे रफ में, कैसे 225 जो आपके पास स्क्वायर आया है उसका आप हाफ करिए, हाफ करके, हाफ करेंगे तो डेसिमल में नहीं निकालना है आपको, हाफ करेंगे तो जो भी परफेक्ट नंबर आ रहा है वो देखिए, 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये आपके पास आया, तो ये वाला नंबर लीजिए, जो रिमाइंडर है उसको छोड़ दीजिए, आपके पास क्या आया 112, और इससे नेक्स्ट नंबर आप इसमें यहां नोट करेंगे 113, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ आया क्या बताया मैंने, जो भी आप स्क्वायर करने के बाद आपके पास नंबर आया है उसका हाफ करिए, उसका हाफ करने के बाद डेसिमल में आपको ये फाइंड आउट नहीं करना है, 112 आया वो और इससे नेक्स्ट नंबर। अब जैसे इसमें देखिए 11 स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 121 का आप हाफ करिए, ये आपके पास आएगा 26 12, और ये उसके पास 0 यानी 60 60 प्लस 61, ठीक है। अब ऐसे 19 का करेंगे आप, 19 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 361 आएगा, इसका हाफ करिए, हाफ करेंगे तो 2 1 2 2 8 16 0, उसके बाद 281। ऐसी 21 का करिए, 21 into 21 करेंगे 441, इसका हाफ करिए 2 2 2 2 0, और उसके बाद 221, ठीक है। इजी है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट एक्चुअली स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको एक्चुअल में इनको स्क्वायर करके और माइनस करके नहीं देखना है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, कि जो भी नंबर दिए हैं आपको स्क्वायर्स में, इन दोनों नंबर्स का सिर्फ आप सम करिए, वो आंसर होगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 6 square minus 5 square, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कि इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों नंबर का सम कर दीजिए, 6 plus 5 दैट इज इक्वल टू 11। इजी है, सारे पार्ट आप अपने आप कर सकते हो। ये एक पार्ट देख लेते हैं, 21 square minus 20 square, तो इसमें आप कैसे करेंगे, 21 plus 20। अब ये देखिए आपके पास आएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, कि जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस क्या होगी। तो इजी है ये, इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायरिंग 46 इक्वल टू, या डायरेक्ट आप लिखेंगे 6 square, सिर्फ यूनिट प्लेस लेनी है आपको, सिर्फ यूनिट प्लेस 6 square की, आपने 36 आया और इसका वंस प्लेस क्या आ गया आपके पास 6। ऐसे आप 50 का करेंगे 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, लेकिन आपको कौन सा प्लेस लेना है, सिर्फ वंस प्लेस लेना है तो ये 9 आएगा। ऐसी 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4, 8 का करोगे तो 8 square 64 होता है, यूनिट प्लेस क्या आ गया 4, 5 का करोगे तो 5 ही आता है, 5 square equal to 25 और यूनिट प्लेस 5, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 5 का किया तो 5, ठीक है। इसमें सामने आप लिख लेना प्लीज अपने आप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड ओनली बाय ऑब्जर्विंग देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। आपको बताना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका अगर आप स्क्वायर करते हो तो
तो वो डिजिट कभी नहीं आती है। कैसे? ये आपने देखा था कि वन का स्क्वायर करते हो वन होता है, वन और नाइन का स्क्वायर करते हो तो वन डिजिट आती है, टू और एट का करते हो तो फोर आता है, सिक्स का करते हो तो सिक्स आता है, सेवन और थ्री का करते हो तो नाइन आता है, फाइव का करते हो तो फाइव आता है, लेकिन इनके अंदर टू थ्री सेवन एट अगर आप इन ये अगर आप स्क्वायर करते हो किसी भी नंबर का तो ये वाले डिजिट नहीं आती है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर माने जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और ये आप याद भी रखिए कि किसी भी नंबर में टू थ्री सेवन एट अगर ये नंबर्स आते हैं तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। उसके बाद देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम। अब जो आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर सिक्स किया था उसमें आपने इसका रिवर्स किया था। इसको कैसे करेंगे आप? सम ऑफ एन नंबर ये गिवन है, आपको बताना है कि इसका एडिशन करने पे क्या आएगा, लेकिन एक्चुअल में एडिशन नहीं करना है तो उसके लिए क्या था, एन स्क्वायर फॉर्मूला था आपके पास। हमारे पास ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके पास ये 16 नंबर है तो आप क्या करेंगे, 16 स्क्वायर कर देंगे जो आपके पास क्या आएगा 5 2 56। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास एन स्क्वायर, ये नंबर आपके पास आ जाएगा। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर, दिस वन इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपके पास स्क्वायर करने पे उसका आंसर ओड नंबर आए तो ये इजी है, कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर आता है और ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओड आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें देखिए जो ए पार्ट है वो ओड है, और उसके बाद डी पार्ट, फिर एफ, और फिर बस ये तीन पार्ट है जो ओड में है आंसर, तो इन तीनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तब भी ओड नंबर आएगा आंसर। इस एक्सरसाइज से आपसे एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि सम ऑफ नंबर्स आप देखते हो, ये वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स में मिल जाए, अदरवाइज वन मार्क्स में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इससे। और आप लोग अगर आप लोगों ने ये ध्यान से नहीं किया तो क्वेश्चन गलत भी करके आते हो इससे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन पहले लेके आऊंगी, ठीक है, अदरवाइज ये सीक्वेंस में चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।